सलमान खान की द बैंग टूर का अब तक हिस्सा है जैकलीन फर्नांडिस। अभिनेता ने मीडिया में किया ये खुलासा। जैकलीन फर्नांडिस इन दिनों मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार ईडी ऑफिस के चक्कर काट रही हैं। पिछले कुछ समय से प्रवर्तन निदेशालय इस केस में अभिनेत्री से पूछताछ कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही काम के सिलसिले में विदेश जाने के लिए निकली जैकलीन को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। दरअसल जैकलीन सलमान खान के द बैंग टूर का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि अभिनेत्री को इस टूर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सलमान खान जैकलीन द बैंग टूर का हिस्सा होंगी या नहीं, इसे लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सलमान खान से हाल ही में द बैंग टूर के दौरान जैकलीन फर्नांडिस की मौजूदगी को लेकर सवाल किए गए, जिसका जवाब देते हुए सलमान खान ने कहा, इंशाल्लाह वो यहाँ जरूर होंगी। अगर जैकलीन यहाँ पर नहीं होंगी तो मैं जैकलीन बनकर परफॉर्म करूँगा। सलमान खान की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी की हंसी छूट गई। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ईडी की लगातार पूछताछ के बीच जैकलीन फर्नांडिस शो का हिस्सा बनना कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया पर सलमान खान के खुलासे के बाद लोग भी जैकलीन को लेकर प्रतिक्रियाएं देते दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर यूजर मरियम लिखती हैं कि वो एक आदर्श भीड़ खींचने वाले अतुलनीय हैं। वो विश्व स्तर पर सुपरस्टार हैं, अपने प्रशंसक को देखकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। ट्विटर यूजर अजय पाठक लिखते हैं कि बिल्कुल सच, उनका किरदार ऐसा ही है, महान व्यक्तित्व, भीड़ से जबरदस्त प्रतिक्रिया। एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सलमान भाई को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, जैकलीन तो आने वाली है नहीं। एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं कि जैकलीन नोरा और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी से कहीं ज्यादा कलरफुल है उनकी अपनी जिंदगी। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।